तरह से आप लोग इस तरह का वॉच फेसेस अपने स्मार्ट बैंड में लगा सकते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास साइड में यहाँ पर बोट फ्लेस का स्मार्ट वॉच है, और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि किस तरह से हम लोग अपना खुद का फोटो को इस स्मार्ट वॉच में सेट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रोजाना मैं आप ही के लिए इसी तरह के नए कंटेंट वाले वीडियो हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये एंड्रॉइड का डिवाइस और मेरे पास ये बोट फ्लेस का जो स्मार्ट बैंड है वो दोनों मेरे पास यहां पर मौजूद है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग इस स्मार्ट बैंड में अपना खुद का फोटो को इसमें सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा स्टेप्स है, कौन सा प्रोसेस है, आज के दोस्तों इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, तो सिंपली हम लोग चले जाते हैं प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बोट फ्लेस, और बोट फ्लेस के नाम से ये ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली ये आपको ओपन कर लेना है। अब जब इसको आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे आपको घड़ी का एक सिंबल दिख रहा होगा, इसको सिंपली आपको टैप आउट कर लेना है, और टैप आउट करते ही आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, वॉच फेसेस, ऐप नोटिफिकेशन, अलार्म फाइंड माय डिवाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में वॉच फेस पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। गाइस यहाँ पे ढेर सारा कस्टम वॉच फेस आपको देखने को मिल जाता है, तो इन सारे को भी आप सेट कर सकते हो अपने नीचे में क्रिएट कस्टम वॉच फेसेस। अगर आपको खुद का फोटो सेट करना है तो आपको जाना क्रिएट न्यू कस्टम वॉच फेसेस पे, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर चले जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपलोड इमेज, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, टैग फोटो, चूज फ्रॉम गैलरी और कैंसिल। तो सबसे पहले आपको टैग फोटो पे जाने जाना है। अगर आपको तुरंत फोटो को क्लिक करके सेट करना हो तो आप लोग टैग फोटो पे जा सकते हैं, वरना अगर डिवाइस में आपका ढेर सारा फोटो है उनमें से अगर आप लोग कोई एक को चूज करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा चूज फ्रॉम गैलरी, ठीक है। तो चूज फ्रॉम गैलरी पे हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद मेरा जो गैलरी में जितना भी फोटो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली एक फोटो को यहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से देखने को मिल जाता है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो वॉच फेस आप लोग सेट करने वाले हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कस्टम वॉच फेसेस के नाम से। उसके बाद मेरा ये वॉच फेसेस आपको अगर अभी आपका स्मार्ट बैंड देख रहे हैं तो ये कुछ दूसरा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं तो डन पे क्लिक करने के बाद आपका घड़ी में प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है कि सेंडिंग कस्टम वॉच फेसेस टू डिवाइस, इट माइट टेक सम सेवरल टाइम्स, प्लीज वेट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, और गाइस कुछ ही सेकंडों में आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो वॉच फेसेस आप लोग लगाना चाहते थे वो वॉच फेसेस, आपका जो फोटो है वो इस घड़ी में सेट हो जाएगा इस तरह से। तो गाइस इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी स्मार्ट बैंड है बोट का, तो गाइस इस तरह से आप लोग इस तरह का वॉच फेसेस अपने स्मार्ट बैंड में लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।